नमस्कार। तुला राशि वालों के लिए शुभ अशुभ सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। देखिए, तुला राशि वायु तत्व की राशि है। इनके अंदर असीम संभावना है, फैलाव है, विस्तार है। वायु की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह इनके अंदर आकर्षण बहुत होता है। आध्यात्मिक, ज्ञानी, बुद्धिमान होते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वायु तत्व की मजबूत राशि है तुला राशि। शनि की सबसे प्रिय राशि कहा जा सकता है। सूर्य यहाँ पर कमजोर होता है। इनका जीवन शनि की कृपा से ही चलता है। तुला राशि में शनि की कृपा होना बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुला वाले ग्लैमरस होते हैं। ये बहुत उदार प्रवृत्ति के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ये इमोशनली थक जाते हैं। वैसे तो न्यायप्रिय होने के कारण सही गलत का निपटारा ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी ये दूसरों की सहायता कर अपना नुकसान कर लेते हैं। ये इनकी कमजोरी है। पैसा इनके पास बहुत होता है। आकर्षक तो होते ही हैं। ये दिखावा पसंद भी होते हैं। ये भी इनकी कमजोरी है। महिलाओं के चक्कर में अक्सर उलझ जाते हैं और इसी कारण इनको काफ़ी लॉस होता है, खर्चा होता है। अगर ये महिलाओं के चक्कर में ना पड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गलत रास्ता है, आकर्षण का है, बेमतलब खर्च करवाएगा। इसी कारण ये परेशान होते रहते हैं। आपको अपने जीवन का बैलेंस करने के लिए शनि की उपासना करनी चाहिए। रोज़ शनि चालीसा का पाठ करें या फिर ऑडियो भी सुन सकते हैं आप। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम में अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, एक मुखी जलाना है आपको, तो आपके लाइफ में बहुत सारे जो भटकाव हैं वो ठीक हो जाएंगे। और साथ ही तुला राशि वालों के लिए जो इनका शुभ रत्न है नीलम, सलाह लेके आप धारण करें तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेज हो जाएंगे, लाइफ बेहतर हो जाएगा। तुला राशि की कुंडली में अगर शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, नंदी योग बन रहा है, तो इस योग के कारण संतान होने में दिक्कत आती है। बार बार गर्भपात होने का भी संकट बना रहता है। कभी कभी संतान होने के बाद भी दिक्कत रहती है। तालमेल का भी अभाव होता है। यहाँ पर स्वभाव की समस्या की जीवन भर बना रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सुबह शाम 108 बार ओम संग शनैश्चराय नमः का पाठ कीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में चंद्र मंगल का योग बन रहा है तो यह जीवन में धन की कमी नहीं होती है, मान सम्मान मिलता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगर तुला राशि वाला की कुंडली में बुध केंद्र में मूल त्रिकोण में हो तो भद्र योग बनता है। इस योग से तुला वाले उच्च व्यवसायी होते हैं और अपने बुद्धि विवेक से धन कमाता है। तुला राशि की कुंडली में अगर मंगल और शनि का संयोग बन रहा है तो आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होता रहेगा। कम प्रयास से भी अचानक से आपको पैसे मिलते रहेंगे। विवाह के बाद फाइनेंशियली अब बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इनको आंखों की और मुकदमों की गंभीर समस्या भी होती है। ये निगेटिव पक्ष है इस योग का। साथ ही नशे की आदत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपको किस कैरियर में जाना चाहिए, कौन सा कैरियर आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, शनि का संबंध कैरियर से होता है। कितनी सफलता मिलेगी, कैसा होगा कैरियर, अलग अलग ग्रहों से अलग अलग। ऐसे तो शिक्षा मिलती है और नौकरी भी मिलती है, लेकिन जो ग्रह कुंडली में मजबूत होता है आमतौर पर कैरियर भी उसी दिशा में होता है। मान लीजिए आपका शनि कमज़ोर है और आप लोहे के व्यापार की कोशिश करेंगे तो बार बार असफलता मिलेगी या मुश्किलें आएंगी। लेकिन तुला वालों के साथ एक अच्छी बात है कि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आसानी से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सरलता से इंजीनियर बन जाते हैं। इसके साथ ही तुला वाले कॉरपोरेट सेक्टर में बैंकिंग, मार्केटिंग, बिजनेस के जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ भी बहुत ही सरलता से ये आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और आपके लिए कॉरपोरेट वाला क्षेत्र ज़्यादा सफलता देता है आपको। अक्सर देखा गया है मीडिया वाले क्षेत्र में तुला वाले बहुत सफल होते हैं। आप शनि की पूजा जरूर करें कैरियर को बेहतर करने के लिए। ओम संग शनैश्चराय नमः का तो आपको पाठ करना ही है। साथ ही मिडिल फिंगर में लोहे का एक छल्ला आप जरूर धारण कीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी।